नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर 2019 के बाद व्हाट्सएप दुनिया भर के लाखों स्मार्टफोन में जो है वर्क नहीं करेगा। रिसेंटली ही व्हाट्सएप ने हमने ब्लॉग पोस्ट में लिखते हुए कहा है कि उनकी जो मैसेजिंग ऐप है 31 दिसंबर 2019 के बाद बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है काम नहीं करेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके अंदर जो है व्हाट्सएप काम नहीं करेगा और उनके अल्टरनेट में आप क्या सोल्यूशन जो है इनका निकाल सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप को कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहते हैं तो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। व्हाट्सएप ने कहा है कि 31 दिसंबर 2019 के बाद जो व्हाट्सएप का जो ऐप है वो जितने भी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप फोकस करना चाहता है उन मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड, जिन स्मार्टफोन्स को जो है यूज़ करते हैं उन्हीं के ऊपर मेन फोकस जो है रखना चाहता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है विंडोज़ या बात करें कर माइक्रोसॉफ्ट ने ही जो इस तरह के फ़ोन बनाने बंद कर दिए हैं, साथ ही में उनका सपोर्ट भी बंद कर दिया है। तो 31 दिसंबर 2019 के बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जितने भी स्मार्टफोन हैं उनके अंदर व्हाट्सएप का जो ऐप है वो नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल है तो आपको जो है अपग्रेड करना होगा या तो iOS या जो है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर। मार्च 2020 के इनिशियल में एंड्रॉयड के जो ओल्डर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर भी व्हाट्सएप जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो एंड्रॉयड सिस्टम का वर्जन है वो है 2.3.7। जितने भी एंड्रॉयड के जो पुराने मोबाइल्स फ़ोन हैं स्मार्टफोन हैं उनके अंदर भी व्हाट्सएप जो है काम नहीं करेगा। साथ ही में iOS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम 8 है या उससे जितने भी लोअर वर्जन हैं उनके अंदर भी व्हाट्सएप की जो ऐप है वो काम नहीं करेगी। तो आपके पास अगर मैं कहूँ तो मार्च के इनिशियल जो वीक है वहाँ उस तक का टाइम है, उस टाइम तक जो है आप या तो अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है आप उसको अपग्रेड कर लीजिए लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के अंदर। अगर आपके पास iOS है तो आप iOS का कोई भी जो न्यू मोबाइल फ़ोन है या आप जो है परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने हैं उनके अंदर व्हाट्सएप का जो है ऐप रन नहीं करेगा, उसके बाद वो है बंद हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।